भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस की युवा शाखा के प्रमुख श्रीनिवास ने शुक्रवार को तंज कसा। उन्होंने एक मीम साझा किया जिसमें एयर इंडिया का शुभंकर सिंधिया से कहता है, हम दोनों बिकने के लिए हैं। भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे विपक्षी पार्टी की हताशा करार दिया। यह मीम सबसे पहले कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लगाया था, लेकिन जब इसे श्रीनिवास ने साझा किया तो बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान इस ओर गया। इस मीम में एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा सिंधिया से कहता है, आइए महाराज, हम दोनों बिकाऊ हैं। इसके नीचे चित्र परिचय लिखा है, रब ने बना दी जोड़ी। इससे पहले गुरुवार की रात मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मीम साझा करते हुए लिखा, बिकाऊ को बेचने का काम मिला, गद्दारी का उसे कुछ यूं इनाम मिला। इसके जवाब में भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सिंधिया जैसे युवा नेता की इस तरह से आलोचना करना कांग्रेस की हताशा को दिखाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई थी और भाजपा फिर से सत्ता में आ गई थी। उनका जन्म 1 जनवरी 1971 को हुआ था और उन्होंने हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों में पढ़ाई की है। सिंधिया ने 2002 में कांग्रेस पार्टी से अपना पहला चुनाव लड़ने के बाद एक लंबा सफर तय किया है। उनके पिता माधवराव सिंधिया की एक विमान दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो गुना लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़े और जीत हासिल कर वह पहली बार संसद पहुंचे थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना संसदीय सीट से हार का सामना करना पड़ा। उनके पिता माधवराव सिंधिया भी नागरिक उड्डयन मंत्री थे और 1991 से 1993 तक इस पद पर रहे।